हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आज 19 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, तो हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स और जीएस और हिंदी से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, हम उनका विद एनालिसिस, मतलब जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा उसको हम आपको कंफर्म करके बताएंगे कि यही होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी एग्ज़ाम देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि अभी जो आप एग्ज़ाम में जो आंसर फिल करके आए हैं उन्हें आप मैच कर सकते हैं और अपने आंसर्स को सही कर सकते हैं। और अगर अभी आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर है कल या परसों, तो फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं और सेम टाइप सेम पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस इतना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का क्या नाम है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का क्या नाम है? तो दोस्तों, मैं इसका बता दूं, इसका जो देश में देश का नाम जो है प्रस्तावना में, वह है भारत है। तो इस टाइप की प्रस्तावना से रिलेटेड, इस टाइप के सम और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो इसका मैं आपको बता दूं, जो बदायूं का प्रशासक जो है, जो सुल्तान था, जो अपना इल्तुतमिश था, वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले क्या था? बदायूं का प्रशासक था। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, तो दोस्तों इसका मैं बता दूं, इसका जो हो जाएगा सोनार आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो कहते हैं वो है हमारा रेक्टिफायर। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ईजी लग रहे होंगे। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो पेपर ईजी ही आ रहा है, बट जीएस के जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ लेवल के आ रहे हैं। बट जो हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए और मैथ्स की बात की जाए अगर, तो ये बहुत ही ईजी लेवल का आ रहा है। बट मैथ्स में एडवांस वगैरह तो पूछा नहीं जा रहा है, एक आध क्वेश्चन आ रहा है उससे क्या बोलते हैं आयत या वर्ग से। जैसे क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है आपको जो एक वर्ग दिया रहेगा, वर्ग का जो एक विकर्ण की लंबाई दी रहेगी, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी थी कुछ, और उसकी जो हाइट थी वो दे रखी थी। तो आपको ये पूछा था, इसकी जो आपको बतानी थी ये वाली पूछा। तो आप सीधा सीधा सा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ये आपको दिया हुआ था और ये दिया हुआ था। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपना जो था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे जो है अपना आंसर आ जाता। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का ये क्वेश्चन है मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त तो बत्तियां संयोजित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूं, समांतर क्रम में होती हैं जो बत्तियां संयोजित होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रथम उपाध्यक्ष या फिर ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई है कार्यकाल के दौरान, और मतलब यूनिक जो भी फैक्ट्स होते हैं जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। और खेल से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हर एक पेपर में 3 से 4 आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है आप कंप्लीट करके जाएँ। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? ये हिंदी से क्वेश्चन और मिला है। तो दोस्तों बताना है देशभक्ति, इस क्वेश्चन का अगर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या ये सही है। देशभक्ति में जो है समास, तत्पुरुष समास मैंने बताया है, बट आप लोगों को इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे वह कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों देख लीजिए, खेल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन को आप देखने को मिल ही जाएगा, या फिर ये बंदा किस खेल से रिलेटेड संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है? तो चलिए दोस्तों, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और इसी टाइप से कुछ जो अभी नई जो क्या बोलते हैं राज्यपालों की नियुक्ति हुई है या फिर नए मुख्यमंत्री किसी राज्य के बने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक बार देख लें। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। राजस्थान के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन था, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर, ये तो सभी को पता होगा।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं हम एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों थैंक यू।